साधिवा शील प्रावृणा गुण प्रेरणा चंदार्कते चोदिका मुख सिद्वान की पाटी पाटन विटा गुरुवाह पंतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा उन्ते आर्युक्ति कांश गु कांश गच्छे सम्राणे समदिन से समझाए त्वम पंचवचम आराध्य स्थान दुसुझारणम तीरुपण सड़च कलम अंचे पूजे वंदन मिसाई दुख को कमकुला हो शिवैरम स्माय मरणम जिनगुरु स्मृति हो मच्छम ईसुरा सूरीमणि सिंह वंदितं भूय गायकं विमलं परिमामि उड्डिमाड्यं दिग्धं दमसिकत् शेषे पुण्यतिथेरे सुसिद्धे विसुद्धि सुभावे समृणान दंसन चरतो वीर्यायारि तिथिषु वि संगम संगोपत्तिगमेव पत्तिगम वंदामि वटन्ते वृन्ते मानुषे किच्चारीं ताडं सिद्धाणं तीर्णमुगुडीराडं अज्जावीवगाडं सौडं चिसौवेशिं तेशिं विशुद्धिदंस नाडिपाडं समं समासेज उषं पियामि सम्मं जत्तोडि वाणसंपत्ति श्रोव्यापि चिद्रूप श्रूपाये परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने लोलुप्ति महामोस तमस्तोपम जिदिदा प्रकाशन जगत्तुत्तम मनिकान्मयम् नमः पुरम चैतन्य स्वात्म सुख संपदे परिमांगम साराय सिद्धाय परमेष्ट नमोरियंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरि नमो इच्छायाडम नमो लोयेषु विसा पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जीव को मोह के विकास से सुरक्षित कर सकता है। तत्व ज्ञान के अभाव में जीव मोह कसाय से घायल किया जा रहा है। तत्व ज्ञान के अभाव में यह जीव मोह कसाय से घायल किया जा रहा है। हे मित्र, शरीर का
घायल होना पर की आंखों में दिखाई देता है, पर अपनी कसाई से, अपने ही मुंह से शिम की आत्मा जो घायल हो रही है, ये कोई दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा है। आत्म ध्रुव की सुरक्षा चाहते हो तो मित्र आगम का अभ्यास करो। उसके लिए यहां कह रहे हैं कि साधक पुरुष का कोई नेत्र है, आंख है, वही आगम है। इन आंखों से देख करके मोक्ष मार्ग पर नहीं चला जाता, इन आंखों से देख करके मोक्ष मार्ग पर नहीं चला जाता, आगम की आंख देख करके मोक्ष मार्ग पर चला जाता है। ये नेत्र जो है तटस्थ है, नेत्र जो है मित्र सात जड़ है, नेत्र जो है सात जड़ है। देखने वाला तो चेतन नहीं है, ये चैतन्य आत्मा आंखों के माध्यम से पदार्थों को देख रही है। आंख आंख है, आंख में राग नहीं है, आंख में द्वेष नहीं है, आंख तटस्थ है। जैसा आप देखना चाहते हो वैसा दिखाने में सहकारी साधन है, उसका नाम नेत्र। इसलिए ज्ञानियों 234 नंबर की गाथा की व्याख्या सुनते समय इस बात का विवेक पूर्वक ध्यान रखना, अज्ञानी प्राणी कोई अशोभनीय चित्र देख लेता है, फिर को पश्चाताप होता है और ये सोचता है ये आंख न होती तो मैं ऐसा क्यों देखता, ये जड़ बुद्धि तू आंख को दोष मत दे, आंख ने नहीं देखा, आंख ने नहीं देखा, आंख से देखा, ये तूने तत्काल निर्णय ले लिया ये आंख न होती मैं ऐसा खोटा रूप न देखता, और आपने आंख फोड़ ली। आंख फोड़ने से आपसे प्रश्न है कि आपने मोक्ष मार्ग तय कर लिया, आंख होती तो मुनि बन सकता था, अंधा पुरुष मुनि नहीं बन सकता, कनुआ पुरुष मुनि नहीं बन सकता, अंग वंगहीन पुरुष मुनि नहीं बन सकता, तूने अपना मोक्ष मार्ग ही नष्ट कर लिया। इसलिए इंद्रियां नहीं फोड़ना है, इंद्रियां नहीं तोड़ना है, मन मोड़ना है। बेही नेत्र अर्हत परमात्मा के दर्शन में सहकारी एक नहीं, बेही नेत्र समतियों के पालन में सहकारी एक नहीं, बेही नेत्र स्वाध्य आगम का स्वाध्य करने के लिए अनिवार्य अंग है कि नहीं, बराबर। इसलिए ज्ञानी आंखों को मत फोड़ो, ज्ञानी आंखों को मत फोड़ो, नेत्र में पाप नहीं होता, नेत्र में द्वेष नहीं, नेत्र में नहीं नहीं, आत्मा के भीतर ही स्नेह है, आत्मा के भीतरी द्वेष बुद्धि है। ये राग द्वेष ये नेत्र का धर्म नहीं है, राग द्वेष ये आत्मा का विवाह भाव है, राग द्वेष आत्मा का विवाह भाव है। जब तेरी समीचीन दृष्टि होती है इन्हीं आंखों से, तो स्नेह की दृष्टि से जीवों को देखता है, सारे जीव आपको देखकर प्रसन्न चित्त हो जाते। जैसे मुख भाषा को अभिव्यक्ति करने का स्थान है, जैसे मुख जिब्बा ओष्ठ कालूदंत ये भीतर के भावों को भाषा के रूप में
व्यक्त करने का स्थान है। ऐसे ही नेत्र भीतर के भावों को देश और स्नेह की दृष्टि से व्यक्त करने का स्थान है। नेत्रों से मित्र प्रेम झलकता है, नेत्रों से प्रीति झलकती है, नेत्रों से वात्सल्य झलकता है और नेत्रों से जहर टपकता है। कसाई के नेत्र जहर उगलते, शत्रु के नेत्र जहर उगलते हैं। किसी को भयभीत करना चाहते तो क्या दिखाते आप? आंखें दिखाते हैं। बेही आंखें बंधुत्व बताती है, बेही आंखें शत्रुत्व बताती है। इसका मतलब आंखों में बंधुत्व नहीं है, आंखों में शत्रुत्व भी नहीं है। भावों में बंधुत्व है, भाव में शत्रुत्व है। आंख संभाल लो विभार से कहा जाता है, आंख संभाल लो विभार से कहा जाता है, स्थूल विभार। हे मित्र आंख क्या संभालोगे? भाव संभाल लो, आंखें समझ जाएंगी। किसी की आंखें किसी को घायल नहीं करती, किसी की आंखें किसी को घायल नहीं करती। भाई एक सरोता मंदिर में रखा हुआ है, एक सरोता तुम्हारे घर में रखा हुआ है। सरोतों में हिंसा है कि उपासना की साधना है? कसाई के हाथ में छुरी है, एक डॉक्टर के हाथ में छुरी है, दोनों पेट चीर रहे हैं, एक पीड़ा मिटाने के लिए एक प्राण मिटाने के लिए। छुरी में क्या दोष है, सरोते में क्या दोष है? मंदिर का सरोता द्रव्य बना रहा था, घर का सरोता भाजी बना रहा था। सरोता ना भाजी बनाता है ना द्रव्य बनाता है, बनाने वाले की भाव जैसे होते हैं। इसलिए छुरी करण है, करता नहीं। यहां व्याकरण की आवश्यकता है। छुरी करण है, करता नहीं। छुरी करण है, करता नहीं। ध्यान दो, छुरी करण है, करता नहीं। छुरी से शल्य क्रिया की जाती है, सुछुरी शल्य क्रिया नहीं करती। कर्ता वैद्य है, शल्य क्रिया करता वैद्य है, छुरी नहीं करती, छुरी तटस्थ है। हे मित्र वो छुरी से कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा था, रस्सी से किसी ने बांध दिया, वो टंगा हुआ था छीके पर, आपको दया आ गई, आपको दया आ गई, आपको करुणा आ गई, प्रसन्न भाई आपने जा करके उस छुरी से उस रस्सी को काट दिया। हे मित्र उस छुरी ने उसके प्राण बचाए कि नहीं? जिसके हृदय में दया है उसकी छुरी प्राण रक्षा करती है, और जिसके हृदय में कसा है उसकी छुरी प्राण घात करती है। कसाई के हाथ में छुरी उसने लाखों प्राणियों के लिए गले निकाल दिए। यानी करण को करण के रूप में देख, करण को करण के रूप में देख, कर्ता को कर्ता के रूप में देख। इसलिए इंद्रियां कर्ता नहीं है, इंद्रियां करण है। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रियां कर्ता नहीं है, इंद्रियां करण है। आपका विषय बदल गया, ध्यान रखना। नेत्र की व्याख्या चल रही है, यही हमारी आंख आगम से मिलके चलती है तो आगम रूप ढल जाती है, यही आंख विषयों को देखती है तो
तो सब स्वरूप ढल जाती है। इन्हीं आँखों से कोटि कोटि जीवों को आशीष होता है। इन्हीं आँखों से मित्र कोटि कोटि जीवों पर देश बुद्धि होती है। श्वास और आंख साध्य सागर दोनों को नहीं संभालना। श्वास और आंख दुनिया के वक्ता कहते हैं श्वास को संभालो, दुनिया के वक्ता कहते हैं आंख को संभालो, पर जैन वक्ता कह रहा है कि मित्र न श्वास को संभालो न आंख को संभालो। शुभ्र सागर तो क्या संभालो? श्वास जो लोक में ध्यान प्रक्रिया चल रही है वो सब कहते हैं आंख संभालो श्वास संभालो आंख संभालो श्वास संभालो। हे मित्र, यदि भाव संभल जाते हैं तो श्वास अपने आप शीतल हो जाती हैं, भाव संभल जाते हैं आंखें अपने आप शांत हो जाती हैं। न मुझे श्वास उतारना है न आंख संभालना है, संभालना है तो मित्र भाव संभालो। वो भाव कौन सी वस्तु है? ज्ञान एव आत्मा, आत्मा एव ज्ञान, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। इसलिए अपने ज्ञान को संभाल लो, अपनी आत्मा को संभाल लो, आंखें अपने आप संभल जाएंगी। संभालो, कर्ण में दोष मत खोजो। बाही कर्ण में दोष मत खोजो, अंतरंग कर्ण को पहचानो। बाही कर्ण में दोष मत देखो, अंतरकरण को देखो। अंतरकरण क्या है? जब आत्मा जो कुछ कर रही है ज्ञान से कर रही है, आत्मा जो कुछ कर रही है ज्ञान से कर रही है, तब ऐसा कथन करोगे तब ज्ञान करण बन जाएगा, आत्मा कर्ता बन जाएगी। ज्ञान अंतरंग करण है। माँ चूल्हे से रोटी सीखती है, ये सत्य है कि नहीं? चूल्हे से रोटी सीखती है सत्य कि नहीं? अरे माँ चूल्हे से रोटी सीखती है कि अग्नि से रोटी सीखती है? क्या सत्य है? देखो कितने जल्द बदलते हैं लोग। यानी वक्ता कैसे तुमको घुमा सकता है, इसलिए सामान्य लोगों को पहले वक्ता को पहचानना चाहिए। पुनः सुनिए, चूल्हे से रोटी सीखती कि नहीं, कि अग्नि से रोटी सीखती है? चूल्हे से नहीं सीखती। यदि नहीं सीखती तो चूल्हा क्यों बनाते हो? इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों समझना पड़ते हैं। चूल्हे से सीखती है, चूल्हे से सीखती है, ऐसा भी कथन होता है। स्थूल व्यवहार रोटी अग्नि से सीखती है, ये भी व्यवहार। रोटी अपने उपादान से सीखती है, रोटी में सीखने की योग्यता नहीं होगी तो अग्नि क्या करेगी? अग्नि रोटी को सीखती है क्या? संभल के सुनना, अग्नि रोटी को सेकती है क्या? अग्नि रोटी को सेकती है क्या? ध्यान दो, अग्नि रोटी को सेकती है क्या? अग्नि तो अपने उष्ण धर्म में लीन है। उसने कब का मैं तुझे सेकती हूं कब का नहीं सेकती हूं, क्या नहीं? जो सीखने की योग्यता रखता है वो अग्नि से सीख जाता है। अग्नि तो अपने स्वभाव में होती है। पर निरपेक्ष, पर निरपेक्ष को दिख रहा है। अग्नि के बिना रोटी सीखती नहीं है, फिर भी अग्नि कह रही है मैं तेरे सेकने का करता नहीं हूं। मैं तो अपने स्वरूप में हूं।
सूर्य की किरणें जमीन को सुखा रही हैं, सूर्य की किरणें कमल खिला रही हैं, सूर्य की किरणें स्वयं में ताप रूप हैं कि जमीन को सुखा रही हैं, सूर्य की किरणें अपनी योग्यता से स्वयं में तापमान है पर उसके निमित्त से जमीन सूख रही है, कमल खिल रहा है पर सूर्य किसी को न सुखाता है न खिलाता है। यदि सूर्य खिलाता है तो कुमुदिनी क्यों नहीं खिलती? इसलिए जिस वस्तु में जैसी उपादान की योग्यता है वो उसके लिए वैसा, पर वस्तु निमित्त बनता है, लेकिन निमित्त रूप में तो निमित्त बन सकता है पर वस्तु में पर वस्तु उपादान नहीं होती। ये गूढ़ विषय है, गुण विषय। इसलिए बालको बेटा युवा सुन, ये श्रीफल है दिख रहा है कि नहीं? ये पुण्य का कारण है कि पाप का कारण है? खड़ा हो जा बेटा। हाँ है ना, औरंगाबाद से आयो तो देख भाई, ये श्रीफल ये पंडित जी चढ़ा के चले गए, ये पुण्य का कारण है कि पाप का कारण है? है? अच्छा भाई, हाथ है ना कि तेरे पास, ये पुण्य के कारण की पाप के कारण है? अच्छा, किसी गाल पर चांटा मारा, किससे मारा? हाथ से मारा, तब भी पुण्य का कारण है बेटा? ये पाप के कारण है? यहां तुम गुरु के सामने हाथ जोड़े खड़ा है, ये पाप का कारण है? समझो, ये श्रीफल ना पुण्य का कारण है ना पाप का कारण है। तेरे हाथ जो है ना पुण्य के कारण ना पाप के कारण। यदि इन हाथों में तुझे भगवान के पास जोड़ने के परिणाम है तो पुनरूप कारण बन जाते हैं, और इन्हीं हाथों से तू गलत से गलत काम कर लेता है उसमें हाथ क्या करेंगे? तो हाथ काट के फेंकेगा क्या? बेटा हाथ मत काट के फेंक देना, इन हाथों ने पाप नहीं कराए तेरे से, तेरे भावों ने कराए। बराबर, ये श्रीफल उन्होंने यहां चढ़ा दिया इसलिए पुण्य रूप दिख रहा है। यही श्रीफल किसी को रिझाने के लिए उसको भेंट कर देता तो पुण्य का कांड बनता है क्या? इसलिए वस्तु में न पुण्य है वस्तु में, पर वस्तु में पाप है, तेरे परिणामों में पुण्य परिणामों में पाप है। समझ में आ गया? तो हाथ जो तेरे फिर कहां गए अब? ये पुण्य रूप है कि पाप रूप है? बहुत बढ़िया, अब तू ज्ञानी बन गया। ये निमित्त मात्र हैं, जैसे हम भाव करेंगे वैसा योग काम करेगा। बराबर, इसलिए योग को दोष मत दो, उपयोग पर ध्यान दो। कभी भी ऐसे ज्ञानी मत बन जाना जिस इंद्री से तुमसे दोष हो गया उस इंद्री का नाश करने मत बैठ जाना। ये जैन दर्शन है, इंद्रियों को नष्ट करने की नहीं कहता है, अपने मन को बस करने की कहता है। इंद्रियों को नष्ट मत करो, मन को बस करो। समझ रहे क्या? प्रत्येक इंद्रिय से द्वैत भूतकार होता है, प्रत्येक इंद्रिय से द्वैत भूतकार होता है। इन आंखों से तुम पाप को भी देख सकते हो, आंखों से तुम पुण्य को भी देख सकते हो। बराबर है कि नहीं? आइए, ये विवाह व्याख्यान परमार्थ की ओर चलिए।
नेत्र की व्याख्या कर रहे हैं। त्रैकालिक शाश्वत नेत्र केवल ज्ञान, त्रैकालिक शाश्वत नेत्र केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान नेत्र की प्राप्ति के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। भगवान का तीसरा नेत्र खुल जाता है केवल ज्ञान। शिल्पकार से कहा जाता है कि तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। लोक में कहा शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला था, ठीक है ना। हे मित्र, वो तीसरा नेत्र तीर्थंकर ऋषभदेव के खिला हुआ था, महावीर स्वामी खुला हुआ था। वो तीसरा नेत्र कौन सा है? दो नेत्र सबको दिखते हैं, तो तीसरा नेत्र एक पन्ना जिले में श्रेयांसगिरी तीर्थ सलेहा गांव है, तो श्रेयांसगिरी तीर्थ की प्रतिमा सलेहा मंदिर में विराजमान है। उस प्रतिमा में शिल्पकार ने तीसरा नेत्र बनाया है। तीसरा नेत्र बनाया, वहां के लोगों को भी पता नहीं था। मैं भी सोचता रहा ये तीसरा नेत्र यहाँ क्यों दिखाई दे रहा है भगवान की आंख मस्तिष्क के ऊपर। त्रिलोक पद्धति में उस तीसरे नेत्र की व्याख्या की गई है। आचार्य कौन? यतिवृष्वाचार्य स्वामी, जिन्होंने त्रिलोक पद्धति नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। उस त्रिलोक पद्धति नाम के ग्रंथ में तीर्थंकर ऋषभदेव को तीसरे नेत्र करके नमस्कार किया है। कीवड़ी नानी तिड़ी तुम चौतीस भूत संपन्नम नाभिजिनम त्रिभुवनम नमन सिज्जम नमन स्वामी। त्रिलोक पद्धति ग्रंथ की गाथा है। केवल नान त्रिड़ितम, हे प्रभु हम कैसे दिखाएं कि तीसरा नेत्र आपको प्रकट हुआ है? तो शिल्पकार ने एक नेत्र आंख बना दी। वो आंख जो है किस बात की है? दो आंखों से विश्व देखता है, दो आंखों से विश्व देखता है, और तीसरे आंख से परमात्मा देखता है। केवल ज्ञान नेत्र, केवल ज्ञान नेत्र है जो 34 वर्ष से युक्त हैं, नाभि के पुत्र हैं, ऐसे ऋषभदेव त्रिनेत्रधारी हैं। हे मित्र, पर केवली का तीसरा नेत्र केवल ज्ञान है। सिद्ध परमात्मा का तीसरा नेत्र सर्वांग केवल ज्ञान है। पर साधु का तीसरा नेत्र कोई है? वो केवल ज्ञान नहीं है, आगम है। आप पूजा पढ़ते हो, पूजा पढ़ते कि नहीं? आगम आगम तीजा नेत्र बखाना पढ़ते ना। ये तीसरा नेत्र आगम है, इसलिए साधक पुरुष जो है वो ये ना देखे मेरे कुल में क्या होता था। जितने मुनिगण हैं विश्व में, चाहे यहाँ हो औरंगाबाद में विराजमान हो, देश के किसी भी क्षेत्र में विराजमान हो, किसी नगर में विराजमान हो, ढाई द्वीप में जितने वीतरागी मुनि महाराज हैं, वे अपने घर की परंपरा से ना चलें, वे अपने पंथ की परंपरा से ना चलें, वे अपने जाति समाज की परंपरा से ना चलें। मुनि महाराज के लिए जाति काम में नहीं आती, कुल काम में नहीं आता, संप्रदाय काम में नहीं आता, पंथ काम में नहीं आता। उनके लिए चलने के लिए मित्र न उनके प्रांत की परंपरा काम में आएगी कि हम महाराष्ट्र के हैं कि कर्नाटक के हैं कि मध्य प्रदेश के हैं, ये तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तुम्हारे काम में तो आगम काम में आएगा। क्योंकि आपकी जो परंपराएं हैं वो प्रांति प्रांति हो सकती है, घर घर की हो सकती है, आगम प्रांत का नहीं होता है। आगम सर्वकालिक होता है और सर्वक्षेत्रिक होता है। बोलो क्या नहीं? आगम सर्वकालिक है, सर्वक्षेत्रिक है, आगम त्रिकालिक है। इसलिए विषय आया उसको खुलासा कर लीजिए। मुक्ति समत्व सागर, थोड़ा ध्यान दो।
वेद सनातन है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो तो पुरुषकृत है। जिस व्यक्ति ने, जिसका लेखक ना हो पता आपको, कासलीवाल जी, जिस पुस्तक का लेखक आपको मालूम नहीं है तो उसको अपूर्सी नहीं कहा जा सकता। लेखक मालूम नहीं है इसलिए अपूर्सी नहीं हो सकता। आपको मालूम नहीं है, मेरा आपसे एक प्रश्न है, कितने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथालय में हैं। भैया ध्यान देना, एक कटु शब्द बोल रहा हूं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथालय में है, उनके न जनक का पता है न जननी का पता है, तो पता नहीं है उन बच्चों का इसके पिता कौन है माँ कौन है, ये आपको मालूम नहीं है तो क्या बिना माता पिता के संतान टपक गई आकाश से? अरे आपको मालूम नहीं है ना, इसका मतलब जो भी संतान होगी उसका माता पिता कोई नियत होगा ही होगा, ये सत्य है कि नहीं? मुख से बोलो मोनी आपका बराबर भैया, जो भी संतान होगी उसका कोई ना कोई माता पिता अवश्य है। कार्य है सिद्धांत पकड़िए, कार्य है तो नियत कारण है, ये डायरी पर नोट कर लीजिए, कार्य है तो नियम से कारण है। यदि ये ग्रंथ मेरे सामने विराजमान है, इस ग्रंथ को लिखे 2000 वर्ष हो चुके, जो ग्रंथ मेरे सामने विराजमान है इसको लिखे हुए 2000 वर्ष हो चुके हैं। यदि ये ग्रंथ मेरे सामने है और मुझे ग्रंथकर्ता का ज्ञान नहीं है कि किसने लिखा, उस पर ग्रंथ पर नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं आकाश से टपक के आ गया कि परमात्मा ने भेज दिया। ये तो ऐसी बातें हैं, तो क्या बताऊं मैं आपको, घर के मूसल भी देव बन जाते, घर के मूसल भी लोग देव बना लेते हैं। हो मूसल मुक्सल कासलीवाल जी, समझाओ इस समाज को, अब कब तक मूसल को पूजते रहो, भगवान को पूजो। दहरी को पूजते लोग, उखली को पूजते लोग, मूसल को पूज लेते लोग, चक्की को पूजते हैं, गिनोची को पूजते हैं और चूल्हे को पूजते हैं, बोले इन सब से हमारा काम बनता है। हे मित्र, ये सब आरंभ के साधन है, ये कोई देवता नहीं है, देवता कोई है उसका नाम देवादेव अरहंत परमात्मा। इसलिए यहां क्या कह रहे हैं आपसे, लोक रूढ़ी से अपनी आत्मा के बंधन को कब दूर कर पाएंगे? हाँ लोगों को डर लगता, डर यदि मूसल नहीं पूजा तो घर में कुछ हो ना जाए। मैं तो किसी को भी नहीं पूछता हूं, तब भी देखो आनंद से बैठा हूं। देखा, विषय समझो, विषय समझो, अज्ञात को अपूर से नहीं कहा जाता, अज्ञात को अपूर से नहीं कहा जाता, जो अपूर से होता है वो पुरुषी होता है। ध्यान दो भाई, डॉक्टर मेहता उधर चित्त ठेवा, ज्ञानी अपूर से कोई कार्य नहीं होता, जो कृत होता है वो कार्य होता है, जो कृत होता है वो कार्य होता है, जो कार्य होता है वो अपूर से नहीं होता है, परंतु पुरुष अपूर से ही होता है। समझ नहीं रहे आप लोग? इतनी जल्दी ध्यान में आ जाए
ज्ञानी यथार्थ बताओ ना, वकील साहब आप लोग पुण्यात्मा हो, आपको सब बना बनाया मिल रहा है, हम लोगों को 25 साल लग गए इस बात को समझते समझते, आगे बढ़ते बढ़ते। हे मित्र, फिर से कह रहा हूं, जो कृत है उसका नाम कार्य है। जैसे कि रोटी बनाई गई तो ये माँ क्या कहती है, आज का काम मेरा पूरा हो गया। जो कृत है वो कार्य है, मतलब जिसे किया गया है वो कार्य है। कृत कार्य होता है, जो कृत होता है वो कार्य होता है, जो कार्य हुआ है वो किसी पुरुष के द्वारा किया गया है। समझ रहे ना, जैसे कि ये प्रवचन सार, ये कृति है। क्या है ये कृति है? कृति है तो कोई करता अवश्य है। कुंद कुंद स्वामी, इस कृति के कर्ता आचार्य कुंद कुंद स्वामी, वे पुरुष थे। धीरे धीरे चलना, जो पुरुष है वो पूर्व से है, जो पुरुष है वो पूर्व से है। क्या गजब, जो पुरुष है वो पूर्व से है। मैं जान के बोल रहा हूं, 50 बार भी बोल सकता हूं, आप सुन लो पहले। जो पुरुष है वो अपूर्व से है, जो पुरुष है वो अपूर्व से है, जो पुरुष है अपूर्व से है, जो पुरुष है अपूर्व से है। हे मित्र, पुरुष मतलब अस्ति पुरुष चिदात्मा, जो चैतन्य आत्मा है वही पुरुष है, जो पुरुष है अपूर्व से है, आत्मा को किसी ने किया नहीं है, इसलिए आत्मा अपूर्व से है। पर जो संसार के दिखाई दे रहे काम, चाहे पुस्तक हो, चाहे रोटी हो, चाहे बाटी हो, सब कार्य हैं, ये पुरुष करते हैं। हे मित्र, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पंडित जी चाह रही है। पंडित जी संभल के सुनो। हे मित्र, आप के लिए देश के लोग एक बड़े पंडित के रूप में देख रहे हैं, वो आपको बिल्कुल निडरता के साथ बोलना है, पुरुष अपुरुष से जो है उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता। आत्मा अपूर्व से है, जीव अपूर्व से है, जीव अपूर्व से है। मैं भी क्षय द्रव्य को उसे बताता हूं, चिंता मत करो। जीव अपूर्व से है, आत्मा अपूर्व से है, आत्मा किसी पुरस्कृत नहीं है। हे मित्र, आपने कहा कि पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ जो है वो चार ही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ द्रव्य नहीं है, पर्याय है। चारों पुरुषार्थ द्रव्य नहीं है, पर्याय है। धर्म आप कर रहे हो ऐसे आपके परिणाम है, इसलिए ये धर्म रूप परिणाम रत्नात्रेय धर्म है। ये रत्नात्रेय के परिणाम जो है आपको ज्ञानियों धर्म रूप प्रणत करा रहे हैं, ये आपको मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कराएंगे। तो मोक्ष पुरुषार्थ जो है ये पुरुष के प्रयोजनभूत है, मोक्ष पर्याय है, मोक्ष द्रव्य नहीं है। मोक्ष प्राप्त किया जाता है लेकिन पुरुष को प्राप्त नहीं किया जाता है। अभी ठहरो ना, और जो अर्थ है धन, वो भी तुम कमाते हो, वो पुरुषार्थ है,
वो तुम्हारा निज द्रव्य नहीं है। जो काम है वो अंदर के विकार हैं, वे विकार जीव की विभाव पर्याय है, जीव की विभाव पर्याय है, विभाव गुण द्रव्य विभाव जो है पर्याय है, और ये जीव की विभाव अवस्था है, विभाव अवस्था में विकार आ रहे हैं, इसलिए विकार अपूर से नहीं, धन अपूर से नहीं, मित्र मोक्ष अपूर से नहीं, पुरुष का पुरुषार्थ है। परंतु जो अजन्मा है अहेतुक है, अजन्मा है अहेतुक है, ऐसा चैतन्य प्रभु निज भगवान आत्मा है, वो अपूर से है। चैतन्य आत्मा को किसी पुरुष ने बनाया नहीं है, मैं किसी परमात्मा की कृति नहीं हूं, मुझे आप किसी परमात्मा की कृति मत बता देना, मैं किसी परमात्मा की कृति नहीं हूं, मैं किसी ईश्वर की कृति नहीं हूं, मैं किसी प्रभु की कृति नहीं हूं, मैं स्वतंत्र निज चैतन्य भगवान आत्मा हूं। इसलिए अभी ठहरो एक मिनट, चौद्र कपूर से हे मित्र, चैतन्य जो है अपूर से है, लेकिन जो पुस्तक है वो अपूर से ही नहीं है, मनुष्य जो है वो अपूर से नहीं है, त्रियंत जो है अपूर से नहीं है, नारकी जो है अपूर से नहीं है, देव जो है अपूर से नहीं है, वो पुरुष कृत है, लेकिन पुरुष जो है अपूर से ही है। ओहो, ध्यान दो, विभाव व्यंजन पर्याय जो है ये ज्ञानियों जीव के रागातिक भाव से उत्पन्न हो रही है, स्वभाव व्यंजन पर्याय है वो भी जीव के पुरुषार्थ से प्रकट हुई है, इसलिए स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय दोनों पूर्व से है, एकमात्र निज पारनामिक भाव ही अपूर से है। भगवान शांतिनाथ विराजे व्यवहार से कहो ये क्षेत्र का प्रभाव है, ऐसे तत्व निकल रहा है। आपको किसने उत्पन्न किया? मैं अहेतुक हूं, मैं अहेतुक हूं, मैं अहेतुक हूं, अकारण हूं, अनिमित्तिक हूं, अप्रत्यय हूं, अजन्मा हूं। जिसका जन्म होता है वो मनुष्य होता है, देव होता है, नारकी होता है, पशु होता है, चैतन्य न देव न नारकी न पशु इसकी विभाव व्यंजन पर्याय है। इसलिए कासलीवाल जी, जो जीव आज आपको अनुभव में आना चाहिए, जो जीव द्रव्यानुयोग के अध्ययन में लगे हुए हैं बिल्कुल आपको बिल्कुल देख नहीं रहे, आप ये समझते हैं ये हमसे दूर हो गए हैं, वे आपसे दूर नहीं हुए, अपने पास आ गए हैं। आज आप स्वयं वेदन करो, इस समय कोई दूसरी बातें करें आपको स्वयं पसंद नहीं आ रही, एक स्थान पर एक व्यक्ति ने लिखा कि वैदिक दर्शन ने महावीर स्वामी को ये कहा कि महावीर स्वामी हमारे वेद के विरोधी हैं। वहीं पर एक अजैन बंधु लिखता है, नहीं ये आपने कैसे कह दिया कि महावीर स्वामी वेद के विरोधी हैं कि पुराण के विरोधी हैं? हे मित्र, जो फुर्सत में होता है वो दुनिया का विरोध करता है, जिसको फुर्सत ही नहीं है विरोध किसका करेगा। अभी रुकिए, अब माना कि डॉक्टर हर्षवर्धन मेहता ये मेरे से कहने लग जाए, अच्छा श्री बताओ ना आप मेरे बारे में क्या सोचते, बताओ ना क्या सोचते, क्यों थका रहा मुझे, मुझे अपने से समय नहीं है, मैं तेरे बारे में क्या सोचने बैठ जाऊंगा। विषय को समझना, वो कितनी सुंदर बात लिख रहा है डॉक्टर, कितनी सुंदर बात लिख रहा है। आप इस समय
अरहम नमा का उच्चारण कीजिए। हाँ, गाली दो, अरहम नमा का उच्चारण करो। हाँ ना, गाली दो। डॉक्टर मुझे जो चाहिए मैं पूछ लूंगा। अरहम नमा बोलिए आप, गाली दो। डॉक्टर इकड़े अरहम नमा बोलते समय आप गाली दो। अरहम नमा बोलो, गाली दो। हाँ बस, यानी बैठ जा, खड़े रहो। आप ये बताइए, एक ही काल में एक ही पुरुष क्या गाली दे सकता है और अरहम नमा बोल सकता है? क्या एक द्रव में एक समय में दो पर्याय हो सकती क्या? इन ज्ञानियों से बोलो, जब तू शुद्ध पर्याय में होगा तो अशुद्ध पर्याय नहीं होगी, अशुद्ध पर्याय में होगा तब शुद्ध पर्याय नहीं होगी। अरे छदमस, आपके प्रवचन बाद में कराता हूँ, पहले मेरे सुनो। हे जीव, डॉक्टर साहब बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा सुनो, प्रश्न समझो। आप माला लिए हो, आप जो है ना ध्यानस्थ हो जाइए, माला फेरिए, ध्यानस्थ होके माला फेरिए। डॉक्टर माला फेरते समय ध्यान लगता क्या? डॉक्टर माला फेरते ध्यान लगता क्या? हाँ, मित्र सुन, माला में ध्यान नहीं होता, ध्यान में माला नहीं होती। डॉक्टर समझ, ये सामान्य लोगों के लिए कहा जाता कि धर्म ध्यान कर लो, माला फेर लो। माला विकल्प है, माला अस्थिरता है, ध्यान स्थिरता है, माला ध्यान एक साथ होता नहीं है, बराबर। मेरा प्रश्न ये था, इसलिए आपको कष्ट दिया, क्षमा करना, कि एक व्यक्ति ने कहा कि महावीर स्वामी ने वेदों का विरोध किया, लेकिन दूसरे ज्ञानी पुरुष ने कहा कि आप गलत बोल रहे हो, महावीर किसी के विरोधी नहीं थे, महावीर योगी थे, महावीर किसी के विरोधी नहीं थे, महावीर योगी थे। जब योग में जाएगा तो किसी का विरोध नहीं होगा, पर विरोध हो जाता है। अब समझना विषय को, माताजी देखो, योगी महावीर विरोधी नहीं थे, योगी थे, पर योगी योग में लीन होता है, विरोध हो जाता है। सुनिए ध्यान से कैसे। अब माना कि कासलीवाल चाहता है कि विशुद्ध सागर महाराज जी यहाँ पर जो है पूजन पाठ कराएं, ठीक है, तो मैंने इसकी पूजा पाठ कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूँ, बराबर, लेकिन मैं स्वाध्याय में लगा हूँ, तो पूजा करने पाठ करने वालों को लगता है कि हमारे विरोधी हैं, तो विरोध हो रहा है, विरोध किया नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं ना? विषय समझना, ये मैं आपको विषय समझा रहा हूँ। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी योग में लीन थे, जो योग में लीन थे, कासलीवाल जी एक आप अपने मित्रों के बीच में प्रयोग करना, जो मित्र आपके साथ पहले जैसी अवस्था रखते थे, हरकतें करते थे, उनके साथ आप जाना और उनको कोई विरोध मत करना, उनका
माना कि आपको आपको चाय पीने की आदत थी और मित्रों के बीच बैठ के चाय पीते थे, वहाँ जा करके उनके साथ बैठना, पर आज चाय मत पीना। और जब जो चाय लेके आए तब तब आप कहना भाई दूध लेके आओ, जब जब चाय लेके आए तब के दूध लेके आना। आप विश्वास रखना उन्हीं में से कोई एक चटकेगा, बोले कैसा आदमी है, इसके आने से मेरी ओत धुल रही है। बोले हम लोग चाय पीते दूध पीता है, उसे गुस्सा आएगी, जबकि तुम उनको गुस्सा उत्पन्न नहीं करा रहे हो, तुम तो अपने दूध पी रहे हो। ऐसे ही जो साधक अपनी निजी साधना में लीन हो जाता है और दूसरे साधक नहीं कर पाते तो उनको चिड़ छूटती है, तो वे कहते हमारे विरोधी हैं। महावीर विरोधी नहीं, योगी हैं। बराबर बैठ जाओ भैया। खाली बसा, खाली बसा, समझ में आया? ऐसा पातंजलि योग में गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक है पातंजलि, तो वो जो है ना उसके प्रस्तावना कार ने ऐसा लिखा हुआ है कि महावीर को आप वेदों का विरोधी मत मानिए, महावीर विरोध में नहीं थे, भावी महावीर युग में थे। यदि किसी साधु ने मोल ले लिया, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या आपका विरोधी हो गया? नहीं, अपनी साधना में लगा हुआ है। हाँ, जो बातें करना चाहता है उसे लगता है ये मेरे विरोधी है। इसी प्रकार से ये द्रव्यान योग जो है, द्रव्यान योग, ये प्रवचन सार, समय सार, ये द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में वस्तु स्वभाव की व्याख्या की गई है। तो जैसे आत्मा अपूर से है, अब चलिए ये पैन पोर से है, कृत है, लेकिन जिससे पैन बदना हुआ है वो क्या है? पुद्गल द्रव। ये क्या है? पुद्गल द्रव। ये अपूर से है, इसको किसी ने बनाया नहीं। चलिए मटका जो है वो पोर से है, कुंभकार ने बनाया है, पर मिट्टी जो है अपोर से है, किसी ने बनाई नहीं है। बराबर। इसलिए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, ये छह द्रव्य पारनामिक हैं, अपोर से हैं। बराबर। अपोर से हैं, पारनामिक भाव से युक्त हैं, और मित्र जिनागम अपोर से है। जिनागम अपूर से है, सनातन है, कोई प्रश्न ही नहीं करता यहां पर। तो ज्ञानियों अभी बुंदेलखंड में होते ना, वे हजारों प्रश्न लगा देते। जिनागम अपूर से है, बोले कैसे? सुनिए, मूल ग्रंथ करता तीर्थंकर देवा, उत्तर ग्रंथ करता गर्दा देवा, प्रत उत्तर ग्रंथ करता आचार देवा। यहां सब जगह तुम्हें कर्ता लगा हुआ ना। हे भाई, ब्रह्म में मत पड़ जाना। ओ वर्तमान की 24 में आप लोगों को तीर्थंकर महावीर स्वामी ने तत्व की प्रूपणा की, इसलिए वे इस पर्याय श्रुत के कर्ता। किसके? पर्याय श्रुत के कर्ता, द्रव श्रुत के कर्ता। द्रव श्रुत मतलब जो लिपिबद्ध, ये द्रव श्रुत व्याख्यान रूप, दिव्य ध्वनि रूप, ये द्रव्य श्रुत। गणधरों ने गुंथन किया
द्रव श्रुत। आचार्यों ने लेखन किया द्रव श्रुत, ठीक है। इस अपेक्षा से महावीर स्वामी करता, गर्दर परमेष्टि गौतम स्वामी करता, कुंद कुंद आदि आचार्य करता, ठीक चलेगा। पर एक प्रश्न है, आपके महावीर स्वामी ने, मैं तटस्थ आदमी हूं इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपके महावीर स्वामी ने जो तत्व की प्ररूपणा की है वो तत्व की प्ररूपणा आपके आदिनाथ ने की कि नहीं? पुनः प्रश्न, आपके आदिनाथ ने जो प्ररूपणा की है आपके पारसनाथ ने की कि नहीं? तो मित्र, आदिनाथ की, पारसनाथ की, महावीर स्वामी की प्ररूपणाएं अलग अलग थी कि वही है? वही है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि वही है तो हाँ, यदि वही है तो उन्होंने बनाया है कि बताया है? इसलिए उनके ज्ञान में जल का उन्होंने बताया है, बनाया नहीं है। आगम सनातन है, अपूर से है, शाश्वत है। अनादि है, ऐसे सनातन आगम को नमस्कार। ये सनातन है, जो भी व्याख्यान होगा, छह द्रव्य पंचाशी का है, सात तत्व नौ पदार्थ के बाहर कोई व्याख्यान नहीं होता। विश्व में चाहे शांक हो, चाहे मीमांसक हो, चार्वाक हो, नैयायिक हो, वैशिष्टिक हो, ज्ञानी प्रभाकर हो, भाट हो, जेमनी हो, चार्वाक हो, जो भी लोग कथन कर रहे हैं छह द्रव्य के अंतर्गत ही कर रहे हैं। भैया भैया सुनना, वो हमारे तिलक वाले भैया बैठे ना, और आपसे पूछ रहे भैया सबसे बीच में, वो नहीं, वो पीछे भैया बीच में, हाँ भैया सुनो, आप भैया हो कि भतीजे हो, बिल्कुल घबराना नहीं, आप भैया हो कि नहीं, भाई हो ना, भैया पति हो कि नहीं, पति हो कि नहीं, पति हो, चम भैया सुनो ना, पिता हो कि नहीं, अच्छा भैया आप पुत्र हो कि नहीं, पुत्र भी हो, भैया आपका नाम क्या है, है? संतोष, पूरा क्या बोले, सोन टक्के, चलो संतोष भाई सोन टक्के। मित्र सुनो, आप का भैया जो है ना वो आपको अपना भाई बोलता है, ठीक है ना। आपकी पत्नी जो है ना वो आपको पत्नी पति बोलती, ठीक है। आपका बेटा जो है ना वो आपको पिता बोलता है, आपका पिता है ना वो आपको बेटा बोलता है। पर भैया ये तो बताओ आप कितने हो, एक हो ना, है मित्र। संबंध की अपेक्षा से, रिश्ते की अपेक्षा से आप अनेक हो, पर अपने जीवत्व में एक हो, बराबर। ऐसे ही हर दर्शन वाला अपने अपने हिसाब से एक ही वस्तु को बोल रहा है, परंतु वस्तु स्वभाव में जाओगे तो वस्तु एक है। मेरे से पूछोगे तो मैं क्या कहूंगा, संतोष सोन टक्के मेरा शिष्य है, ठीक है। वो किसी से झगड़ा हो गया तो वो क्या बोलेगा, बोले संतोष सोन टक्के मेरा शत्रु है, परंतु सोन टक्के क्या है, जो है सो है। बैठ जा भैया,
ये जिनवाणी का आनंद है, समझ गए ना, ये जिनवाणी का आनंद है। सारे जगत के आनंद जब दूर हो जाते हैं तब जिनवाणी का आनंद प्रारंभ होता है। ये द्रव श्रुत का आनंद है, भाव श्रुत तो योगी गम्य है। इसलिए अब कह रहे हैं यहां तक भूमिका थी मात्र, जो भी आपने सुना है ये तो भूमिका है। अब गाथा प्रारंभ करते हैं। क्या बोल रहा भैया? हाँ मित्र, तो ठीक कह रहा। सुन, जितने दार्शनिकों द्वारा कहा गया है वो सारा जिनागम है, परंतु ठहरी अब ध्यान से, संतोष भोज से खड़ा होना पड़ेगा। सोनटक के भाई, तेरी पत्नी कहे, आपका नाम क्या भैया? नीतेश भाई। उस सोनटक्के की पत्नी कह रही है अपनी सासू से, ये मेरा बेटा है। सुना? सोनटक्के की पत्नी ये कह रही है इनकी माँ से कि सोनटक्के संतोष मेरा बेटा है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। जितनी जगत में प्रूपणा है सब आगम की है, लेकिन बात ऐसी थी, आगम ये कह रहा था सोनटक के बेटा तो है पर अपनी माँ की अपेक्षा से है, न कि पत्नी की अपेक्षा से। पत्नी की अपेक्षा से तो पति ही है, बराबर। इसी प्रकार से लोगों ने व्याख्या तो द्रवगुण की पर्याय की है, बाहर से कुछ नहीं लाए, लेकिन जो पत्नी का धर्म पति रूप था संबंध, उसको बेटा रूप कर दिया, वो गलत हो गया, इसलिए वो विपरीत है। समझ गए? बस हो मित्र, और कोई प्रश्न? क्या हुआ है भैया? भैया, एक पत्थर की चट्टान से, एक पत्थर पहाड़ से एक चट्टान को निकाल के लाया, उस चट्टान के दो पिंड किए और दो पिंड करके एक की मूर्ति कासलीवार की बनाई और एक की मूर्ति महावीर स्वामी की बनाई। अब बताओ भाई अनिल वकील, तो किसकी पूजा करेगा? एक की मूर्ति बनाई सो ये तेरे मित्र कासलीवार का स्टेचू बना दिया पुतला, और दूसरे की महावीर स्वामी की मूर्ति बना दी। अब बताओ संतोष ओ सुरेश बरजात्या, तू पूजा किसकी करवाएगा? आपसे ही पूछ रहा हूँ कचनीर है। अच्छा कासली वाले हैं। हाँ मित्र, पूजा किसी करोगे? क्यों मित्र? सुन, पत्थर तो पत्थर ही है ना, पर पत्थर पत्थर की देख से द्रव्य से देखेंगे तो दोनों पत्थर एक ही पर्वत के हैं, लेकिन आपने पर्याय भेद कर दिया है। एक में कासलीवाल की मूर्ति बनाई, एक में महावीर की मूर्ति बनाई, इसलिए दोनों में भेद हो गया, लेकिन वास्तव में पत्थर एक ही है। बैठ जाओ ज्ञानी भाई। कासलीवाल सचिन, समझ में आ गया? हाँ। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है ब्रह्मांड में, सुन मित्र, ऐसा कोई ब्रह्मांड में ग्रंथ नहीं है जो 64 वर्णों से रहित हो, चाहे जैन शास्त्र हो चाहे अन्य कोई शास्त्र हो। ज्ञानी, ओ भाई मणि, खड़े हो जा। क्यों खड़े हो गए? सुनिए, इनका नाम मणि है, ठीक है? सचिन खड़े हो जाओ,
रीते जो भी हो कासली बालचर नीतेश भाई ये मड़ी है, ठीक है, आप नीतेश हो, भगवान ने मीना तेरे नाम में ना है कि नहीं, भगवान महावीर ये मणि के नाम में माँ है कि नहीं, तेरे नाम में ना है कि नहीं, नेमिनाथ पूज्य है तू अपूज्य, महावीर पूज्य है ये मणि अपूज्य है, अक्षर वही हैं जो पूज्य के साथ लग जाते हैं, अक्षर वे मंत्र बन जाते हैं, अपूज्य के साथ लग जाते हैं वे गाली बन जाते हैं, बैठ जा। अब कासलीवाल जी जस वकील साहब जितने त्यागी व्रती हैं और देश में जितने जीव दीक्षा लेना चाहते हैं उन सब से कहना भाई मेरी समझ में आ गई, बिना बुद्धि के मुनि नहीं बना जाता। अभिनंदन सुन रहा कि नहीं? अब सोचिए यहां मैं तो सामान्य मुनि हूं, एक समंत्र बद्ध स्वामी अकलंक स्वामी कुंद कुंद स्वामी विद्यानंद स्वामी ये बड़े बड़े धुरंधर आचार हुए जिनके सामने बड़े बड़े नैयायिक सिर टेकते थे। एक भारत की भूमि पर ऐसा योगी हुआ जिसका नाम समंतप्रद स्वामी है, वो कांचीपुरम से चले भेलसाई निबिदिशा मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश से बनारस गए और जहां जाते थे डंका पीटते थे, मैं बागमी मैं नैयायिक मैं मांत्रिक मैं तांत्रिक, किसी ने अपनी माँ का आंचल का पान किया हो तो मेरे से शास्त्रार्थ करे। ये समंतवृद्ध स्वामी थे, समंतवृद्ध स्वामी भेरी पीटते थे, आज तो अपन बने मैदान में खेल रहे हैं, उन आचार्यों से मिलो उन्हें कितनी मेहनत की है, फिर भी हम आपस में विकल्प में जी रहे हो। अरे मत विकल्प करो, उन आचार्यों की महिमा गाओ जिन्होंने तुमको सुरक्षित किया है, बराबर। बस हो बैठो ज्ञानी, अब गाथा सुनो, मतलब 334 नंबर की गाथा, इसके अंदर गूण रहस्य है, गूण रहस्य है, और इस रहस्य को समझ लिया फिर योगी की आंख दूसरी जगह जा नहीं सकती। अत आगम है चक्षुष मोक्ष मार्ग उपयात, इति अनुशास्ति मोक्ष मार्ग में चलने वाले जो साधक हैं उनके लिए आगम ही एक नेत्र है, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं उनके लिए आगम ही एक नेत्र है, कोई दूसरा नेत्र नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि हमारे पूर्व आचार्य ग्रंथ लिख गए, जब ग्रंथ लिखे रखे हुए हैं तब लोग पंथ बनाए बैठे हुए, ग्रंथ ना होते तो पता नहीं कितने पंथ और होते। सामने आगम रखा हुआ है, ऐसे लोग कासलीवाल जी मैंने देखे, उनको प्रश्न आया जैसे नीतीश को आया ना, तो नीतीश मित्र सुन, इस छोटी सी उम्र में मैंने ऐसे दिन देख लिए हैं कि बहुत अनुभव हो गया। एक जगह मेरे पास एक चुल्लक जी एलक जी थे, एक नगर में आहार के लिए कमंडल भर दिया पानी का, और जैसे मैं उठा के चलने लगा शुद्धि के लिए, चार लड़के आ गए, महाराज जी ठहरो पहले मेरे समाधान करो फिर शुद्धि करना। कासलीवाल होते उस स्थान पर, ये रुकते तो नहीं ठहरते नहीं आहार ना करते बिहार कर जाते, बड़ी शांति से मैं रुक गया, कमंडल रख दिया मैंने जमीन पर मार्जिन करके और कहा भैया बताओ क्या है। उसने दो चार प्रश्न किए, इनका समाधान करो पहले, ठीक है भैया। उसने बोला
आप छुल्लू जी को रेट चढ़ना चाहिए कि नहीं। हम कहे भाई ऐसा करो, एक चंदाप्रभु चरित नाम का ग्रंथ है, वो तुम्हारे ग्रंथालय में हो तो लेके आओ। और मैंने उससे पूछा, आप आगम को मानते क्या? बोले हाँ मानता हूँ, सास में लिखा मिल जाए उसको मानते हो क्या? बोले मानता हूँ। ठीक, खुशी है। जैसे वो ग्रंथ लेके आया, पर मुझे मैं ही भूल चुका था कि कौन से पृष्ठ लिखा है। पर कभी कभी पुण्य काम में आता है, पुण्य काम में आता है। वकील साहब, ग्रंथ उसने मुझे हाथ में सौंप दिया और मैंने जिनवाणी को जैसे ऐसे खोला, वो ही प्रश्न निकला जहां लिखा हुआ था। अब कहता महाराज जी शुद्धि करो, हमने कहा चलो। हमने शुद्धि कर लिए, आर कर लिए। मैं वहां रुकने वाला नहीं था पहले, मैंने कहा अपने मन से अब यहां रुकने का है। फिर वहां 5 दिन रुका, 5 दिन रुक करके उनको प्रवचन सुनाए। इसका 6वें दिन मैंने उनको समझाया कि भाई तुमको पता है ये विशुद्ध सागर थे, कोई दूसरे सागर पास ऐसा मत करना। मुझे आप नहीं दिखते हो, ये धर्म दिखता है, अखंड समाज दिखती है। मैं बिहार कर जाता, समाज की हंसी होती, धर्म की हंसी होती, और आप प्रोफेसर हो सकता था। बेटा ऐसा कभी मत करना, मुझे पता था बच्चों की मुक्ति कराने वाले दूसरे थे। समझ रहे ना? ऐसे दिन भी सामने आए। बोले महाराज जी आप गुस्सा नहीं आई थी क्या? मैंने कहा गुस्सा का विषय क्या था? तुमने प्रश्न किया था। एक मुनि महाराज मिले मुझे, उसी के तुरंत बाद बोले कहा विश्व सागर शुद्धि करो, तो हम शुद्धि के लिए कमंडल उठा लाए। फिर उन्होंने रोक लिया, बोले ठहरो 2 मिनट। हमने क्यों महाराज जी? बोले पहले तुम शंका का समाधान करो। हम ये मुनि महाराज हैं, इनसे ढंग से करना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी आगम से करूं कि युक्ति से करूं? 2 शब्द ध्यान रखना, आगम और युक्ति। जो आगम आगम को मानने वाले तुम्हारे, तुम जैन हो लोग, आप लोग जैन हो तो जैन शास्त्रों को प्रमाण मानते हो। माना कि कोई जैन नहीं है वो तुम्हारे आगम को आगम नहीं मानता है तो उसको तुम कैसे समझाओगे? तो मित्र आगम से नहीं युक्ति से समझाना पड़ता है। महाराज जी तो घबरा गए, बोले भैया तू जैसे समझा वैसे समझा दे। मैंने कहा आगम से सुनो तो ऐसा है और युक्ति सुनो तो ऐसा है। बोले शुद्धि करो चलो। ऐसे दिन आते हैं, इनमें नाराज का विषय नहीं है, ये तो अपने जीवन का रहस्य मानना चाहिए। समझ रहे ना? महाराज जी को समझ में आ गया, उनने भी मुझे 5 दिन रुक के रखा। फिर बोले आप ठहरो यहां पर, हम भी ठहरा हूं। फिर इतने प्रभावित हुए, 5 दिन के मेरे अंतराय थे, वो हमसे बड़े महाराज जी थे, वो मुझे आहार कराने गए। उनका आहार मेरी आंखों में जब आता सामने तो रोमांच हो जाता है, पीठ पे हाथ फेरते रहे। बोले विशुद्ध सागर जी रोटी पियो पानी खाओ, इतना वात्सल्य उमड़ा। तो कभी भी विषमता में घबराना नहीं, विषमताएं तुम्हारे लिए महान बनाने के लिए आती हैं। आगम चक्कु साहू इंदी चक्कुण सपूदाणी देवाऊई चक्कु सद्दापुण सबुदो चक्कु। हे मित्र, आगम चक्कु साहू, साधु का नेत्र आगम, इंदी चक्कु सब भूदाणी, संसार के सामान्य प्राणी भूत यानी प्राणी, इनका चक्षु नेत्र, देवा वही चक्कु, देवों का अवधि ज्ञान नेत्र होता है, और सिद्धापन शब्दों चक्षु, सिद्धों का सर्वान सर्व सारा शरीर संपूर्ण आंत प्रदेश चक्षु है नेत्र, इसलिए सर्वता चक्षु, ये चक्षु जानना चाहिए। परंतु ज्ञानी सर्वता चक्षु प्राप्त करना चाहते हो तो आगम चक्षु की प्राप्ति करो। इसके विशेष व्याख्या
आगे करेंगे, आपका समय हो गया। गाथा नंबर 234 गाथा की व्याख्या आगे करेंगे। मन बना के आना, अपने घर में जरूर चर्चा करना। मुनि बनो, आर्का बनो, आगम देख के चलना, पंत देख के नहीं चलना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिभावतन भिन्न गण महावीर स्वामी की। नमो रीन ताड़म नमो सिद्धाणम आयरियाम मुच्छण सुसाण प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचन कुछ मुख्यार्थम भाव पूजन स्तोष मित्र स्वभक्ति का आश्रम कर।